दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि 9 फरवरी यानी कि थर्सडे को जम्मू कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है हिमाना, वहां पे 5.9 मिलियन टन्स ऑफ लिथियम मिला है। मैं आपको बता दूं कि लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रिक मार्केट के लिए फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं उनमें लिथियम का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक मार्केट में इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तो यहाँ तक कहा है कि ये भारत के लिए एक तरीके का वाइट गोल्ड है। जी हाँ, ये इतना सारा लिथियम है कि इसकी मदद से भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट है वो 2030 तक 30% तक ऊपर जा सकता है। लेकिन हम इस चीज़ की बात करना चाहते हैं कि ये लिथियम इलेक्ट्रिक मार्केट के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। नेचर ने हर एलिमेंट के अंदर अपनी एनर्जी रख रखी है, यानी कि हर एलिमेंट में उसके हिसाब से एनर्जी होती है, क्योंकि ये लिथियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मटेरियल है। अगर आप इसे पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसका सबसे खास बात ये है कि ये हल्का होता है, मतलब इसके अंदर कम से कम अमाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है। कैसे? ये रिएक्टिव होने की वजह से इसके जो एटॉमिक बॉन्ड्स होते हैं इसमें बाकी मटेरियल्स के हिसाब से ज़्यादा एनर्जी स्टोर की जा सकती है। अब अगर एक बॉन्ड में ज़्यादा एनर्जी स्टोर की जाएगी तो ओवरऑल लिथियम के अंदर जो एनर्जी डेंसिटी है वो अपने आप ही बढ़ जाएगी। इसमें कहने का मतलब ये है कि 1 किलो की लिथियम आयन की बैटरी के अंदर 150 वॉट आवर पर इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी होती है। वहीं अगर आप बात करोगे निकल मेटल हाइड्राइड की यानी कि NiMH की, इस बैटरी के 1 kg में तकरीबन 100 वॉट आवर पर इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो भी एक बहुत अच्छी बैटरी हो तब, वरना टिपिकली तो 60 से 70 वॉट आवर ही होता है। इसके अलावा अगर आप बात करोगे लेड एसिड बैटरी की तो उसके 1 kg में 25 वॉट आवर होता है, यानी कि 1 किलो की लिथियम आयन की जो बैटरी है वो 6 किलो की लेड एसिड बैटरी के बराबर होती है। तो कहीं ना कहीं इसकी ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी की वजह से ये बैटरी या फिर ये मटेरियल या फिर ये एलिमेंट ज़्यादा यूज़ होता है बैटरीज के अंदर। यहाँ आप देख सकते हो कि एक सिलेंड्रिकल लिथियम आयन बैटरी है, जहाँ पर आपको एक एनोड नज़र आएगा, एक कैथोड नज़र आएगा, यानी कि पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड का बना हुआ है और जो नेगेटिव है वो कार्बन का बना हुआ है। और एक खास बात ये है कि ये बैटरी पर मंथ 5% पावर लूज़ करती है और बाकी बैटरीज 20% तक कर देती है, यानी कि इसकी लाइफ लाइन काफ़ी लंबी है। लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज भी है, अगर ये बैटरी जीरो डिस्चार्ज हो गई, पार्शली डिस्चार्ज होती है कोई बात नहीं, लेकिन अगर जीरो डिस्चार्ज हो गई तो ये बैटरी डेड हो जाती है, फिर ये किसी काम की नहीं है। और दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इस बैटरी के ऊपर हमेशा एक कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए जो इसको ऑपरेट कर सके। वो क्यों? वो इसलिए कि अगर ये ओवरहीट होती है, यानी कि ये ज़्यादा काम करती है, आपने देखा होगा कि आपका मोबाइल या लैपटॉप जब गर्म हो जाता है तो ये बैटरी पावर सप्लाई को रोक देती है, यानी कि आपका जो फ़ोन है वो चार्ज नहीं होता। आपने देखा होगा बहुत बार चार्जर पे आप लगा देते हो फिर भी वो चार्ज वाला जो है वो ब्लिंक करना शुरू कर देती है ऊपर बैटरी। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि पहले से ओवरहीट हो रही है, अगर आप इसको ज़्यादा चार्ज दोगे, इस दौरान ये पावर डालेगी तो ये फट भी सकती है। ये एक प्रॉब्लम है इन बैटरीज के साथ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मिलियन में, 1 मिलियन बैटरीज में 2 या 3 सेट ऐसे निकलते हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, तो ये स्टैटिस्टिक्स काफ़ी अच्छी है इस बैटरी को लेके। और जो इसकी लास्ट बट नॉट लीस्ट जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि जब लिथियम आयन लिथियम से अलग होकर कार्बन तक जाते हैं तो उस दौरान ये कितनी पावर से जाते हैं, उस दौरान इनका वोल्टेज 3.7 वोल्ट होता है। अब आप एक नॉर्मल सेल की बात करोगे जो आपके टीवी का रिमोट होता है उसमें डलता है, वो 1.5 वोल्ट का होता है, यानी कि वहाँ पर जो आयन्स होते हैं वो 1.5 वोल्टेज से आगे बढ़ते हैं, ये तकरीबन इसका 2.5 गुना है। तो ये जितना तेज़ी से जाएगा, जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा करंट, बताने की ज़रूरत नहीं है, ओम्स लॉ है, ठीक है। तो अगर 3.7 वोल्ट है तो ऑब्वियसली बात है कि वो तेज़ी से मूव करेगा तो करंट भी ज़्यादा बहेगा। तो इस तरीके से लिथियम आयन बैटरी इंपॉर्टेंट है आज के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के अंदर। तो आपको समझ में आया कि क्यों इसे भारत का वाइट गोल्ड कहा जा रहा है। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है, ये लिथियम हमें किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, इस बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।